दोस्तों आईपीएल 2020 का सबसे पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो हुआ है आज वो जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। दोस्तों उसका कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी और उनकी बल्लेबाजी और उनका अंदाज़ा हमको हरा चुका है। जी हां दोस्तों, हम उनके अंदाजे और बल्लेबाजी और कैप्टनसी के सामने नहीं हो पाए खड़े। नहीं नहीं दोस्तों, रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि हम तो 200 के पार जाने का टारगेट बना के बैठे थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी के कारण और उनकी फील्डिंग टाइट होने के कारण हम 200 पार जा ही नहीं पाए। दोस्तों हमारे 162 टारगेट बनाने पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने हमको हरा दिया। दोस्तों उनकी कैप्टनसी लाजवाब है और मैंने जो भी सीखा है अपने करियर में उनसे ही सीखा है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी एक शानदार कैप्टन है। उन्होंने भले ही वनडे मैच इंटरनेशनल से ले लिया हो संन्यास, लेकिन आज भी मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। दोस्तों मेरे करियर की शुरुआत में उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था और आज मैं जो भी हूँ उनके बदौलत ही। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफों की लगा दी जड़ी और कारण भी बताया हराने का। तो दोस्तों ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हुई रोहित शर्मा की जबानी। दोस्तों रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफों के पुल बांधते हुए उनकी सूझबूझ और आज भी कैप्टनसी के ऊपर इतना काम करते हुए और उनकी फिटनेस तो अलग ही लेवल की है। तो दोस्तों ये बातें जो कि रोहित शर्मा ने कही आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में उनके लिए ज़रूर डालें। और दोस्तों न्यूज़ जंक्शन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आईपीएल से जुड़ी हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।